हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बीते वर्ष केशकाल के बड़े राजपुर ब्लॉक के ग्राम मारंगपुरी में कर्ज से परेशान किसान धनीराम मरकाम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसी दौरान बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित परिवार को सहयोग राशि दिलवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक परिवार को न मुआवजा मिला न ही उसका कोई कर्ज माफ हुआ। पटवारियों की लापरवाही से गिरदावरी की रिपोर्ट में त्रुटि होने से किसान ने फांसी लगा ली थी। उस पर 62,000 रुपए का बैंक का कर्ज था। मामले में बीजेपी नेता सोमवार को पीड़ित परिवार के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। पीड़ित परिवार का कर्ज माफ कराने, मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने की मांग करेंगे। बीजेपी नेताओं ने मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कर्जा हटी की नहीं हटी से? नहीं हटी से। तो मुआवजा वगैरह नहीं मिली से? नहीं मिली से। काय कथे? बेटी मन की शादी भी करहूं कतरी है ते कर्जा नहीं पटा, नहीं छूट नहीं होए ते मैं कहां ले कर्जा ले पटा। और पटा बोल थे ते मैं खेत ले भेज के गले पटा हूं बोल था। और मांग भी रखते हैं हम लगातार, पिछले समय भी कई दिनों से इस बात को कह रहे थे कि इस परिवार की एक बेटी को नौकरी दिया जाए, उनको मुआवजा प्रदान किया जाए और बैंक में जो कर्ज है उसे पूरी तरह से माफ किया जाए, वरना भारतीय जनता पार्टी इसके लिए सड़क में लगातार उतरती रहेगी। पीड़ित परिवार को तत्काल मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान की ओर से 20,000 की सहायता राशि दी गई थी, उसके पश्चात अभी प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुई है।